केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हिप्नोटिज्म का सहारा लेना पड़ेगा। हिप्नोटिज्म सम्मोहन विद्या से इनकी बीमारी का पता लगाया जाएगा। डॉक्टर साहब वो आपका टेस्ट कंप्लीट किया क्या? वो कान में डाल के नहीं आई सर? चुप कर कुड़िए, स्टेथोस्कोप वाली बीमारी नहीं है, डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ कहाँ है पेशेंट? ये हाँ आंखें खोलो। ओ दुर्गा झांको, अपने आप में क्या दिखाई दे रहा है? एक रिवॉल्वर और एक ही 47। चुप रहो। मेरी आंखों में देखो दुर्गा, इसमें झील सी गहराई है। मम्मी को तैरना नहीं आता। वो शांत शांत दुर्गा, तुम ख्यालों की दुनिया में जा रही हो, जा रही हो, जा रही हो। मम्मी कहाँ जा रही है? जा रही है ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में। डोंट वरी, हम लोग उनका वापस आने का गेट बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। दुर्गा अब बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें? प्याजू, प्याज, कांदा, अनियन। यानी मेरा शक सही निकला, इन्हें प्याजोमेनिया हो गया है। प्याजोमेनिया? हाँ जी, प्याजोमेनिया एक नई बीमारी है। आज घर घर में हर एक इंसान इससे पीड़ित है। पर ये इनको हुई कैसे? असुरक्षित भोग। आगे यानी कि बिना प्याज के खाना खाना, अजनबी आदमी से प्याज खरीदना, और ऐसा इंसान जो इस बीमारी से पहले से पीड़ित है उसके खाए हुए प्याज को खाना। और इसके कई कारण हैं। ये प्याजोमेनिया के डीआईवी यानी के वायरस बहुत तेजी से फैलते हैं। लेकिन हमें प्याज खाए तो जमाना गुजर गया। बीमारी पहले से थी, अटैक अब शुरू हुआ। अटैक? अटैक। इसका कोई इलाज नहीं है? है ना, बहुत सिंपल है। इन्हें प्याज के दर्शन करा दो, हाथ में एक प्याज पकड़ा दो, बीमारी फौरन दूर हो जाएगी। प्याज के दर्शन? डॉक्टर साहब अगर प्याज के दर्शन करवाने हो तो आप भी कुछ कर सकते हैं। डोंट वरी डॉक्टर, जानबूझकर किस लिए है? भगवान पे भरोसा रखो, इन्हें दवाई से ज्यादा प्याज की जरूरत है। हम इन्हें बहुत प्याज देंगे।